अरे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरा नाम देशबंधु रॉय है। लिफ्ट लेने के चक्कर में इस बस में आगे रोड पाती अपनी ले लिया यार। चुप्पे आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते कहाँ है। समझ में आया मैं कौन हूँ। अब बाबू भाई आपने 2 साल में 20 रॉबरी की, आपका दूसरा नाम आतंक है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? कौन हो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ? कौन भाई आप फिर से प्रश्न कर रहे हो? तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले इस बबुआ की तलाशी लो। आई कार्ड पढ़ तो बे, क्या लिखा है? इंस्पेक्टर कबीर नायक। पुलिस वाले को सलाम करता है और यहाँ का बैठा है, चल उधर। कार्ड में फोटो भी नहीं है। अंडरवियर बाबू भाई, अंडरवियर नहीं, अंडर कवर ऑफिसर इंग्लिश। बाबू भाई को अंग्रेजी सिखा रहा। बांध के डाल दो पीछे साले को। उसने कहा। अरे किसने कहा, क्या कहा? आप अपने ही घर में चोरों की तरह आ रहे हो, सीढ़ियों से क्यों नहीं आते? अरे पहले ही दिल के मरीज हो जी। अरे दिल का मरीज हूँ तभी तो शंभू शरण ने कहा था सीढ़ियाँ मत चढ़ना मुस्कुरा के। अब ये शंभू शरण कौन है जी? मेरा लेटेस्ट डॉक्टर था, अभी तो शमशान में संस्कार करके आ रहा हूँ उसका मुस्कुरा के। अरे छोड़ो ना उसको, आप ऊपर आओ, हाथ दो, ऊपर आओ। देखने में तो नजदीक लगता है लेकिन हाइट जरा सी ज्यादा है। आप ऊपर आइए ना। यार तूने मुझे ऊपर खींचा है, देख भगवान भी तुझे ऊपर खींच लेगा मुस्कुरा के। अरे मैं ऊपर चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? भगवान ही करेगा मुस्कुरा के। जानते हो एक सेब 100 बीमारियों की दवा है, और तुम्हारे बाप दादा सेब के इतने बगान छोड़ के गए हैं और तुम फिर भी डॉक्टरों के पीछे पड़े रहते हो। अरे हमारी किस्मत में सेब का चंपा, हमारी किस्मत में तो अंगूर ही अंगूर लिखे। जाओ गिलास ले आओ मुस्कुरा के। विद्यार्थियों ने तो देश की हालत चौपट कर दी है। हाथ का जोड़ है ये साली। निकाल इधर से, बस तुम्हें खोल के निकालो, रुपया नहीं देख कान के नीचे भी खींच के। ये का है? ये बंदूक है। हैंड्स अप, अपनी बंदूक के नीचे बैठ जाओ। और ड्राइवर भाई गाड़ी रोक दो। बता रहे हैं बाबू भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे सस्ती चीजों का शौक तो मुझे भी नहीं है। बाबू भाई से बदतमीजी मत करियो। अरे मुझे मारा तो मारा, अगर तूने बाबू भाई के हाथ लगाए ना तो बाबू भाई की। इंस्पेक्टर समझा देता हूँ तुझे मैं। तू क्या समझेगा बे? अभी मेरे को मारा तो ठीक है पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। बाबू भाई की माँ की। इंस्पेक्टर तेरी तो, मेरे को मारा तो ठीक है पर बाबू भाई को। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। कर कर जो तुझे करना है करना। हाँ तो करूंगा ना, तू क्या मुझे रोकेगा? साले 2 कौड़ी के डाकू, साइकिल लूटने की औकात नहीं है तेरी और बस लूटने चला है। हाँ तो साले गोली जितनी साइज है तेरी, बंदूक उठाते तुझे शर्म नहीं आती? अबे तेरे जैसे को तो मैं हर शनिवार को 5 हरी मिर्चों के साथ अपने घर के बाहर लटकाता हूँ, समझा ना भाई? नीमू बोल रहा है आपको मालूम है। Shit!
ठीक से बांधा कर यार, आदमी खुल जाता है फिर उससे ऐसी वैसी हरकतें सूझती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं बाबू भाई, चल शांति 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 से काम लो, जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है मुस्कुरा के। गौरी अभी बच्ची है ना, समझ है उसको, क्या समझ कि शादी के बाद क्या होता है, शादी के पहले क्या होता है। अरे समझाना पड़ेगा ना बेटा। मामा पहले मैं ना समझता, अब ये ना समझे, इस नासमझी में क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं ना, तो समझाना तो आपको ही पड़ेगा ना। गौरी को हम कैसे समझा सकते हैं, उसके घर वाले समझाएंगे ना बेटा, हम तो तुमको बोल सकते हैं, तुम अपने हो। देखो बेटा ये फॉरेन वॉरेन वाली जगह नहीं है, ये अपना गांव है, प्यारा सा गांव है, छोटा सा गांव है। यहाँ की औरतें लड़कियाँ पहले तो छूने से मना करती हैं, और जब छूने देती हैं तो पूरा ही दे देती हैं। और अपनी मम्मी को देखो, एक महीने लगे थे टच करने में। एक महीना? That's too much. तो वही तो कह रहे हैं, कोई मत 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 मत, कुछ नहीं, शांति, जज्बात में मत बहो, चुपचाप जाओ शांत सी जगह, वहाँ थोड़ी देर बैठो, पानी को देखो, ठंडी हवा लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे काम बनाने जा रहा हूँ। जिंदगी जो है वो अंग्रेजी वाली क्या बोलते हैं, एडवांस, समझो, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करेगी, फिर जिंदगी मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे ही मुस्कुराने लगेगी। पागल कहीं का उदास हो जाता है, जबट वहाँ। उदास नहीं हूँ मैं, उदास नहीं हूँ मैं आ रहा हूँ थोड़ी, सोच रहा हूँ। अच्छा सुनो जी, कोई पूछे तो कहना चतुर मामा का भांजा हूँ मैं जी, ठीक है। आजकल के बच्चे एडजस्टमेंट की स्पेल भी नहीं जानते। लगता है चले गए। हाँ चले गए। बाबू भाई, प्लीज प्लीज बाबू भाई, प्लीज प्लीज रुके रुके रुके, मेरे पास 10 करोड़ रुपए बाबू भाई। 10 करोड़? मैंने कहा किस्मत मेरी। अरे मामा ये चम्मच के साथ आप क्या? अरे दया भाई बीमारी ही ऐसी है, अपने डॉक्टर है ना शंभू शरण, दवा देते वक्त कहा था 2 टीस्पून ले लेना पानी के साथ। अरे दो क्या, आप 4 ले जाइए, पूरा टी सेट उठा के ले जाइए, घर आपका ही है। लेकिन इस टी सेट भी सेट क्या, लड़की कहाँ है? लड़की तो अभी घर पे नहीं है। अरे ऐसे कैसे, आप तो आते वक्त बोले घर पे ही है, आ जाओ मुस्कुरा के। तब थी लेकिन अब नहीं है। आप कहाँ को चली गई? लड़की भाग गई।
शादी के पहले ही लड़की भाग गई मुस्कुरा के। अरे नहीं, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप चतुर मामा? वैसे नहीं भागी है जैसा आप सोच रहे हैं। तो फिर कैसे भागी? अरे भाई जैसे रोज भागती है वैसे आज भी भाग गई। अरे तू रोज क्या पैर को सर पे रख के भागती थी मुस्कुरा के? अरे नहीं चतुर मामा, चंचल है, कभी दरवाजे से, कभी खिड़की से, कभी छत से भागती है, छत से भाग गई। वो आ जाएगी थोड़ी देर में। पर आपका भांजा दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ भाग गया? वो कहाँ को भागेगा, वो तो भाग के लंदन से यहाँ को आया है। मैं जल्दी नहा लिया था ना, तो इसीलिए मैं आ गया था। वो पंडित जी के साथ पीछे पीछे को आ रहा है। चतुर बाबा, आपका भांजा आप तो जानते हैं उसको अच्छी तरह से। गौरी बिटिया तो आपके सामने ही पली बड़ी है। ऐसी क्या बात? क्या लगता है आपको, ये जोड़ी जमेगी? अब जोड़ी का क्या है दया भाई, की लड़के की उम्र जरा सी ज्यादा है और लड़की की अकल जरा सी कम है। बस धीरे धीरे करके जोड़ी जमी जाएगी। तो मतलब बैलेंस हो जाएगा मुस्कुरा के? बस मैं यही चाहता हूँ चतुर मामा, यही चाहता हूँ। Stay tuned. We promise to keep you entertained. Do not forget to subscribe to our channel.